लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उल्लू के पट्टे पेटू कहीं के वहां तेरे ताऊ जी बेचारे भूखे प्यासे उदास बैठे हुए और तू यहाँ खाना खाया है? जा अपने हाथों से खाना ताऊ जी को खिला करा जा, जा। अरे आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है गधे, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ तुझे है? वो तो मैं समझ गया, मगर समझ में ये नहीं आता है कि बाबूजी आपको अपने भाई पर इतना प्यार कब से आ गया। बेकार बहस मत किया कर बाबूजी से, जो कहते हैं किया कर, चल जा, चल चल जा। ताऊ जी आप खाना खा लीजिए, मैं आपको भूखा नहीं देख सकता। ये बता वो दोनों कहाँ हैं? कौन दोनों? अरे मेरी पत्नी और मेरा बेटा। अपने ही गांव में है ताऊ जी। यही काम करेगा जी, उनसे जाके कहे कि मैंने कहा है शराफत से अभी के अभी घर लौटो वरना अच्छा नहीं होगा। क्या बेटा? नहीं भाई साहब, वो दोनों अकेले इस घर में आने के लिए तैयार नहीं है। हाँ ताऊ जी, हम लोग अभी अभी ताई जी के घर से ही आ रहे हैं। उन्होंने मधु को वचन दे दिया कि जाएंगे तो तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। लगन जी भाई साहब, उन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया, तू जाकर अब मेरा फैसला सुना दे कि मैं उनको इस शुक्रवार तक का समय दे रहा हूँ। इस बीच अगर वो उस लड़की को भुलाकर इज्जत के साथ इस घर में लौट आए तब तो वो मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है, वरना उसके बाद उनके साथ मेरा जिंदगी भर कोई संबंध नहीं रहेगा। कर भला तो हो भला। अरे राजा बेटा, अच्छा वो तुम मिल गए, हम तुम्हारे पास आ रहे थे। अच्छा, मगर मैं तो बाबूजी से मिलने जा रहा हूँ। तुम्हारे बाबूजी नहीं तो हमें भेजा है तुम लोगों की खैरियत पूछने के लिए। सच बाबूजी ने आप लोगों को भेजा? तो और नहीं तो क्या है, तुम लोगों के जाने के बाद मैंने भाई साहब से बहुत झगड़ा किया और भाई मैंने उन्हें कहा कि भाभी जी ने उस लड़की को जबान दे दी है, अब बात कर बतंगर बनाने से क्या फायदा। और फिर दुल्हन वही जो पिया मन भाए, आप सुलह कर लीजिए। फिर राजा तो ताऊ जी कहने लगे लेकिन उस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, उसे अपनी पढ़ाई लिखाई का बहुत घमंड है। हाँ, अपने आप को बहुत होशियार समझती है। ठीक है, अगर तुम्हारी ताई जी ने उसे घर में रख ही लिया तो मैं शुक्रवार तक का समय देता हूँ, लेकिन उस लड़की से कहो कि शुक्रवार से पहले पहले अपने स्वभाव को बदल ले, बात करने का तरीका सीख ले और मेरे राजा के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। हाँ, तो मैं शनिवार को शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच बाकी भैया बाबूजी ने ऐसा कहा? अरे राजा बाबूजी ने ऐसा ही कहा। अरे मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ भाई। ये सभी ठीक नहीं है बेटा, क्यों बड़ी बड़ी बात को बिगाड़ना चाहते हो तुम? अब ठीक कह रहे चाचा। शाबाश बेटा, जीते रहो जीते। मगर फिर भी जब तक मैं बाबूजी से नहीं मिलूंगा ना मुझे चैन नहीं मिलेगा, मैं जाता हूँ। बापू अब क्या होगा? फिक्र मत कर, मैं संभालता हूँ। कर भला तो हो भला, जल्दी जा। क्या है, क्यों आया यहाँ? बाबू जी क्या ये सच है, क्या आपने चाचा जी से कहा है कि अगले शुक्रवार? अच्छा बेटा, क्या तुम्हें अपने चाचा जी की बात का विश्वास नहीं? और फिर मैं भला भाई साहब की इजाजत के बिना तुमसे कुछ कह सकता हूँ? सवाल विश्वास का नहीं चाचा, जो बात मैंने आपके मुंह से सुनी है वही बात मैं एक बार बाबूजी के मुंह से सुन लूंगा तो मुझे संतोष हो जाएगा। क्या सुनना चाहता है तू मेरे मुंह से? यही ना कि मैंने अगले शुक्रवार तक का समय दिया है। कर भला हो भला, अब तो सुन लिया, चल चल ठीक है। अरे क्या बात है राजा, बड़े चहकते हुए वापस आ रहे हो। अरे बाबूजी ने तुमको शुक्रवार तक का टाइम दिया है, अभी तुम थोड़ी सुधर जाओ। क्या मतलब, मैं बिगड़ी हुई हूँ? नहीं, उनके कहने का मतलब था कि तुम अपना स्वभाव थोड़ा सुधार लो, अगर तुम मेरी प्यार से देखभाल कर लोगी तो शनिवार तक वो हम दोनों की शादी तय कर देंगे। खामखा परेशान हो रहे हैं, मुझे राजा पर पूरा विश्वास है, वो आपको भगवान की तरह पूछता है। देख लेना, दो ही दिन में वो उस लड़की को घर से बाहर निकाल कर फेंक देगा। हाँ ताऊजी,
बाबूजी अब आप क्या कहते हैं? आपको तो बड़ा विश्वास था अपने राजा पर, इसने तो एक लड़की के लिए अपने इस भगवान को ठुकरा दिया। अरे चुप रह, शुक्रवार तक का वक्त दिया हुआ हमने उसे, उससे पहले हम उसे कुछ नहीं कह सकते। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए ना जी, चलिए ना, चलिए। ताऊजी, ताऊजी कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे भाई आज शुक्रवार है, भाई साहब जाकर देखना चाहते हैं कि उस राजा के मिजाज ठीक हुए कि नहीं हुए। हाँ वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? मैं अभी भी वहीं से तो आ रहा हूँ, राजा में कोई तब्दीली नहीं आई है। और ताऊजी वो लड़की, वो लड़की तो अभी तक उसी घर में जमी बैठी हुई है। दिल छोटा मत कीजिए भाई साहब, बच्चा है बेचारा, क्यों ना हम उसे एक हफ्ते की मोहलत और दे दें। कोई जरूरत नहीं है, आज तक मैंने वक्त दिया था, फैसला भी आज ही होगा। घर जाके तेरी भाभी को लेकर आ जा, वहां पर जल्दी चलो। वहां अरे बाबूजी, वाह बाबूजी आ गए। अरे बाबूजी हम लोग आप ही के पास आ रहे थे बाबूजी। इस दुनिया में कुछ लोग कुत्ते की दुम की तरह होते हैं, हजारों साल उसको नली में डाल के रखो मगर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मैंने कहलवा कर भेजा था और उसके बावजूद तुमने इस लड़की को घर में रखा हुआ है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप ही ने तो चाचा जी से कहलवाया था कि अगर शुक्रवार तक मधु का स्वभाव बदल जाएगा तो शनिवार को आप हम दोनों की शादी तय कर देंगे। अरे अरे भी क्यों मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो राजा बाबू? तोबा तोबा तोबा, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। अरे भाई मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि अगर शुक्रवार तक तुमने इस लड़की को घर से बाहर दफा नहीं किया तो बाबूजी हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे। हाँ अरे माँ ये झूठ बोल रहे चाचा जी। सुनिए देखिए, आपके गुस्से और अकेलेपन का फायदा उठाकर ये लोग हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। भगवान के लिए इनकी असलियत पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? कल के छोकरी की बातों में आकर आप मुझ पर शक कर रही है? मुझ पर जिसने अपनी सारी जिंदगी भाई साहब की सेवा में गुजार दी, जिसने इस घर की एकता बनाने के लिए दिन रात ये कर दिए, आप मुझ पर शक कर रही है? नहीं भाई साहब नहीं, आप उससे बर्दाश्त नहीं हो तो बस। मैं सबको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे अपने कौन है तो पराए कौन है सबको अच्छी तरह जानता हूँ। तो जी मुझे पता क्या लगता है, राजा ने इस लड़की के साथ को उल्टी सीधी हरकत कर दी है और वो भी इसके गले पड़ गई है। भागे और नहीं तो क्या, वरना तुम्हारी इतनी हिम्मत कि ताऊ जी की कई भी बात को टुकरा देते। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने आपका कहा हुआ एक एक शब्द राजा के सामने आके दोहराया। अरे आपको ये किले आता था राजा, इधर आ मेरी बीवी पैसे है, इसकी कोख में मेरा होने वाला बच्चा पल रहा है। दुनिया का ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपने होने वाले बच्चे की झूठी कसम खाएगा? मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि बाबू जी बाकी भैया सच कह रहे हैं, मैं ही झूठ बोल रहा था। राजा आपने जो इनसे कहने के लिए कहा था इन्होंने सच सच आकर वही मुझे बताया। इस बक्कार की गद्दारी, अरे पालने का इतने शौक था तो उसको निकाल कर कुत्ता पाल लिया होता, थोड़ी सी वफादारी तो करता तुम्हारे साथ। एक बात कान खोल के सुन लो तुम, आज के बाद तो तुम मेरी पत्नी हो और नहीं ये मेरा बेटा है, कोई नहीं है मेरा। मैं जानती हूँ राजा, आज बाबूजी की बातों से तुम्हारा दिल टूट गया है, मगर हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो आगे आने वाली मुसीबतों का सामना कैसे करोगे? अरे बात अगर सिर्फ मेरी होती तो मैं हंसी में उड़ा देता, मगर मेरी वजह से बाबूजी और माँ जो अलग हो गए ना, ऐसा लगता जैसे शरीर के दो हिस्से हो गए हों। सब्र करो राजा, और किया भी क्या जा सकता है, जो कहूंगा करोगी? वापस लौटने के अलावा जो कुछ भी कहोगे करूंगी। ठीक है कूद जाओ इस नदी में। बस इतनी सी बात? अरे अरे ये क्या कर दिया इस लड़की ने, अरे ये क्या नया नाटक हो रहा भाई? ए मधुबाला 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 मधुबाला
मधुबाला, मधुबाला कहाँ हो तुम? मधुबाला, मधुबाला कहाँ हो तुम? मधुबाला, मधुबाला, मधुबाला कहाँ हो तुम? मधु, मधुबाला, 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 अरे मधुबाला, मधुबाला मेरे कूदने के बाद तुम क्यों कूदे? मुझको क्या पता था कि तुम कूद जाओगी? मैंने सोचा कि तुम नाराज होकर घर चली जाओगी। देखो उस दिन जो आकर शादी में तुमने गड़बड़ की थी ना, उसी कारण मुसीबत उठानी पड़ रही है। और उस पगली के साथ शादी हो जाती तो अब तक तुम भी पागल हो गए होते। वो चलता था मुझको, कम से कम मेरे माँ बाप तो अलग नहीं होते। तुम क्या समझते हो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है? ये देखो जहर। हाँ, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हारे बाबूजी के पास जाऊंगी और कहूंगी कि आप अपनी पत्नी और बेटे को वापस बुला लीजिए। मैं राजा की जिंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ और फिर कहीं जाकर मैं ये जहर पी लेती। आइए आइए वैजी। नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है लखन जी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको सिर्फ एक जानकारी के लिए बुला है। अच्छा अच्छा। एक बात तो बताइए वैद्य जी, किसी ने अगर ये जहर दूध में मिलाकर पी लिया हो तो जहर पीने के कितनी देर बाद उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा? अगर एक घंटे से ज्यादा समय हो गया हो तो जान बचाना मुश्किल है। मतलब पौने घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसे दवा पिला दें तो वो बच सकता है। हाँ, मगर ये तो बताइए जहर पिया है किसने? नहीं नहीं, पिया नहीं है, पीने वाला है। मेरी बेटी? अरे किशन वाद देख रहे, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को रे? अरे क्या हुआ रे? भाई साहब, मैं खेत से वापस लौट रहा था तभी ये रास्ते में बेहोश पड़ी हुई मिली। मेरी तो जान ही निकल गई जब मैंने ये खाली जहर की शीशी इसके पास पड़ी हुई पाई। इसने जहर पी लिया? हाँ। अरे किस अदवा जिस बात का डरता वही आ रहे। अरे एक मिनट ठहरो भाई, इस हालत में इसको वैद्य के पास ले जाना चाहिए। उठा उठा उठा। हमारे पास गया है भाई साहब वैद्य को बुलाने के लिए। अरे ताऊ जी, वैद्य जी भी आ गए। वैद्य जी जल्दी जल्दी देखिए लड़की को। जहर पिए लगभग आधा घंटा हो गया है, तब ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं। रुक जाओ वैद्य जी, रुक जाओ। क्यों? अभी इसके जिंदा रहने की जरूरत भी क्या, इसे मर जाने दो। अरे पागल हो चंद्रमोहन, कैसी बातें कर रहे हो तुम? दवा दो भाई। अरे वैद्य के बच्चे, इस लड़की का बाप मैं हूँ, तुम इसको दवाई नहीं पिलाओगे समझे? अरे तेरे कारण मेरी बेटी पर दुखों का पहाड़ टूटा है, तू इंसान ही चल रहा है काका। मेरे देवता समान ताऊ जी के बारे में एक बुरा शब्द नहीं कहना, वरना। ठहरो भाई ठहरो, तुम बच्ची को दवा तो पिला लेने दो, उसके बाद जी खोल के मुझे गाली देना बस। एक शर्त पर दवा पिएगी, राजा को बुलाकर मेरी लड़की के गले में अभी मंगलसूत्र डलवाओ, अभी अभी। देखिए समय बीतता जा रहा है, लड़की की हालत खराब होती जा रही है। चंद्रमोहन, तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो ना? हाँ। तो मेरे बेटे से कर दो। तुम्हारा बेटा? हाँ, अमावस से। अमावस? अरे तू, इससे अच्छा तो मेरी बेटी मर जाए। लड़की की हालत बिगड़ती ही जा रही है, अगर 5 मिनट में दवा नहीं पिलाया गया तो लड़की को कुछ भी हो सकता है। चंद्रमोहन, अमावस भोला है, उस गद्दार राजा से 1000 गुना बेहतर है, लाखन की बात मान लो। काका जी, राजा भी तो नवारी सी था ना, वो तो ताऊ जी ने उसके सर पे हाथ रख दिया तो वो राजा से राजा बाबू बन गया। ताऊ जी जिसके सर पे हाथ रख देंगे वही बाबू बन जाएगा। अरे लेकिन इसका वारिस तो वही रहेगा ना। वारिस? चंद्रमोहन, अगले शुक्रवार को आके देखना, मैं सारे गांव के सामने कहूंगा कि मेरा वारिस अमावस है, इसको मैं गोद ले रहा हूँ बस।